सही दिख रहा है वैसे। 40,000 रुपये तेरे। 40,000 है, 40,000 का पैसा। अबे गाड़ी से धुआं आ रहा है भाई, ये तो मैंने रुमाल रखा था इसमें। देखो जैसे जैसे गाड़ी की उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे प्रॉब्लम्स भी आने लगती हैं, तो इसलिए प्रॉपर सर्विस दो अपनी गाड़ी को। वहाँ दूसरे गियर में उठ रही थी। बुलेरो बुलेरो हेलो गाइस, दिस इज जो बॉय 3 and 6 3। कैसे हो आप सब? आई होप सब बड़े हो गए और बढ़िया ही रहना। वेलकम बैक टू दिस चैनल A3K3। तो बहुत लंबे समय के बाद वीडियो बनाया जा रहा है और बाइक चल चुकी है हमारी 26,121 किलोमीटर, यानी कि हुई थी इसकी 23,000 या 22,000 के समथिंग पे सर्विस हुई थी। तो अब 26 पे करा देते हैं इसकी सर्विस, क्योंकि मुझे लग रही है पावर लैक, थोड़ा सा गियर हार्डली शिफ्ट हो रहे हैं और थोड़ा क्लच वायर कर रही है आवाज़ चू 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 की, वो मैं डाल दूंगा, डिस्प्ले हो रहा होगा डाल दूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आज कराने जा रहा हूँ सर्विस, थोड़ा लेट हो गया हूँ, 9:26 हो गया है। थोड़ा जल्दी जाके ये होता है कि पहला नंबर अपना ही आ जाता है, तो फिलहाल लग रही होगी हवा, आगे मिलता हूँ, नहीं तो भाई पता ही नहीं चलेगा ऐसा है। तो अभी इसमें आ रही है प्रॉब्लम, पहले ये न्यूट्रल नहीं होती थी, कितना न्यूट्रल करो, अब साला दूसरा गियर डालने में न्यूट्रल हो जाती है, क्या ही पंगा है। तो छठी या सातवीं सर्विस देखते हैं कितनी कॉस्टली होगी। और सर्विस से पहले मैंने इसका टॉप एंड भी चेक करा था, तो वो भी आ जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा उसके लिए आपने, तो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आगे चलिए, टाटा हैरियर और आगे से ये गाड़ी, बस ये बस अगर लग गई तो ना आपकी ऐसी कम तैसी हो जाती है यार, ये बस नहीं लगनी चाहिए बस। ओ ओ ओ ओ अंकल जी, टाटा हैरियर के साथ पंगा नहीं ले सकता मैं, वन ऑफ माय फेवरेट कार एवर। अरे भाई ये क्या हुआ है, अच्छा ठोका है इसको यार भाई साहब, वो भी रेटा से। किसने ठोका है यार, टाटा की गाड़ी ने ठोका होगा मुझे तो लग रहा है, वही ऐसा हाल कर सकती इतनी भयंकर टिप्पर का। अरे अभी अभी हुआ है क्या यार, पुलिस वाले भी हैं भाई। अरे बुलेरो बुलेरो, ओ माय गॉड, ये हाल किया है बुलेरो ने, और बुलेरो का क्या हाल हो गया है इसके साथ भाई। ये वीडियो तो प्रतीक भाई को जानी डालनी पड़ेगी। वाह, आज कैमरा जरा साथ दे रहा है, जहाँ बटन दबा रहा वहीं खुल जा रहा है। वाह, तो शोरूम पहुँच गए हैं, ये दे दिया इंडिकेटर, बस अपना नंबर आ जाए। दादा खुला ही नहीं है, खुल गया है। तो अभी तक एक भी एंट्री नहीं हुई है, कंडीशन देखो भाई, एक लाइट इधर से निकल गई है इसकी। अरे जल गई भाई, प्रेस करते ही वहाँ प्रेस करा वो जल गई। चल ठीक है, जल्दी तो सही। 26,132। फाइनली
काम हुआ है फिनिश। वाह भैया ने क्या गियर बना दिए भाई। ओह सर्विस होने के बाद थोड़ी, हाँ यार अब गियर अच्छे पड़ रहे हैं, क्लच सॉफ्ट हो गया है। मतलब सर्विस होने के बाद का जो मज़ा है ना वो एक अलग ही लेवल पे आता है भाई। अरे थोड़ा सा अपसेट हुआ है भैया से, तो आगे निकल ही जाएंगे ब्रो। चलो ठीक ठाक चल रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम भी बताई है। कह रहे अरे भाई क्या आवाज़ कर रही है अब, कह रहे कि इसका जो कोन सेट है ना वो ख़राब हो गया है, तो कोन सेट डलेगा। मैंने कहा ठीक है यार, 5 साल नॉन स्टॉप चली है तो क्या दिक्कत है। हाँ 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 अब तो हल्के से थ्रॉटल में जो वो हो रही है ना गाड़ी खींचे। इंडिकेटर क्यों दे रहे हो भाई, देखो जैसे जैसे गाड़ी की उम्र बढ़ती है ना वैसे वैसे प्रॉब्लम्स भी आने लगती हैं, तो इसलिए प्रॉपर सर्विस दो अपनी गाड़ी को। वह दूसरे गियर में उठ रही थी, क्या बात है। तो प्रॉपर सर्विस दो तो आधी प्रॉब्लम्स वैसे ही ठीक हो जाती है। वैसे गाड़ी इन लोगों ने एक गलती क्या करी ना कि गाड़ी पहले धो दी फिर उसके बाद सर्विस करी, तो उससे क्या दिक्कत हुई, थोड़ा ऑयल वॉयल जो है गिर गया। उसके बाद लंच ब्रेक पर चले गया था गाड़ी धोने वाला, मैंने कहा यार सुबह से भूखा हूँ भाई, मैंने भी खाना है, घर जाके खुद ही धो लूँगा, है ना, तो ये सोचा है। बाकी सुबह इधर ट्रैफिक लगा था और आप लोगों ने देखा ही था कि एक एक्सीडेंट हुआ था बहुत ही ख़तरनाक वाला। अब तो शायद गाड़ियाँ हटा दी हैं भाई, इससे रेत भी गिरने लग गई, इसी पे तो टकराई थी वो बुलेरो, तो उठा के ले गए शायद। अब क्या खा रहे, गाड़ी से धुआं आ रहा है भाई, ये तो मैंने रुमाल रखा था इसमें, वो देखो ऊपर दिख रहा है, ये क्या चल रहा है भाई। GoPro जस्टिफाई कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। अच्छा वही ऑयल वॉयल गिरा था, उन्हें धोई नहीं, यहाँ से आ रहा है यार धुआं एग्जॉस्ट से। अच्छा ओके, ये जो ऑयल वगैरह गिरा है ये जल रहा है, बड़ा मत यार ब्रो। आग वाग ना पकड़े, बस यहाँ से निकलना है यार। कहाँ से आ रहा है, नॉर्मली आ रहा होगा। क्या बेचारा दिख रहा है, क्या पैदल गया क्या वो तेरे? सही दिख रहा है यार, सेल्फी मोड है ये ले भाई। हाँ सही दिख रहा है वैसे। 40,000 रुपये तेरे, 40,000 है, 40,000 का पैसे। बधाई हो भाई सुमित नए GoPro के लिए, लिया कहाँ से, और किसी को GoPro चाहिए तो GK डिजिटल फोटो वर्ल्ड, ये V2 के पास ही है, देख लो माई TVS। अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो ना, मेरा ये बता रहेगा कि ऑनलाइन से अच्छा आप ऑफलाइन शॉप से ले लो। ऑफलाइन शॉप से लेने का आपको फ़ायदा पता ही है कि यार ऑब्वियसली बात है, अगर कभी भी GoPro इधर उधर हो जाए तो ऑफलाइन में आप जाओगे, ठीक है। बाकी जो हमारी वीडियो वो अभी कर दी गई होगी, जो होगी हमारी कल इतना ब्लॉग तो आपको दिख जाएगा, ये हिब्री समाप्त होगा। और कल हम एक बैटरी वाल लेने वाले, फिर आपको दिखेंगे हीरो 9 की फुटेज कैसी है, और बुलेट पे एक मोटो ब्लॉग सेटअप स्टार्ट होगा। तो कल मिलेंगे आपको, बाय बाय टाटा, ध्यान रखो अपना, ओके। बाकी भाई का चैनल फॉलो करना, उस पर आपको हीरो 9 की डिटेल वीडियो आ जाएगी। और बाकी कैमरा कहाँ मिलता है, V2 के अपोजिट पे है, मुखाने के पास। हाँ जी, जो आएंगे। हाँ
ऑफलाइन इसलिए लेने को बोल रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पे कह सकते हो कि भाई हाँ ये दिक्कत है या ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऑनलाइन में क्या है, यहाँ तो कोई सेंटर ही नहीं है गोप्रो का। तो अब चली हमारी मालगाड़ी भाई, रॉन्ग नहीं जाना है। अब मुझे यहाँ से इतना लंबा करना पड़ेगा। ओहो अंधेरा भी होने वाला है। सुमित ने ले लिया नया गोप्रो हीरो 9 और भाई को कॉस्ट कर गया 35 का हल्द्वानी पे। तो अगर कोई हल्द्वानी से वीडियो देख रहा है तो उसे बता दो जीके वर्ल्ड यहाँ पे मिलता है। आप लोगों ने देख ही लिया है बाकी लोकेशन, ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप लोगों ने देख ही लिया है, बाकी समझदार हैं आप लोग। बढ़ाओ भाई बढ़ाओ। ऑनलाइन भी ठीक है लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा ऑनलाइन पे अगर हल्द्वानी से आप ले रहे हो तो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा पता है, क्योंकि यहाँ पे कोई गोप्रो का नॉर्मल हल्द्वानी पे ये है जीके वर्ल्ड डिजिटल वर्ल्ड, मतलब हल्द्वानी पे कोई इसका ऑथोराइज सेंटर ही नहीं है। आपको दिल्ली ही जाना पड़ेगा इसको ठीक कराने, यानी कि 1000 रुपये दे के जाओ फिर आओ या कुरियर जो भी करना है वो कराओ। तो इतनी आफत है इसीलिए ऑफलाइन लेना उसने सही समझा। बहुत टाइम से कह रहा था बंदा लेता हूँ तो फाइनली उसने ले लिया। मज़ा आ गया भाई, मतलब कोई अपना साथ वाला गोप्रो या ये सब लेता है ना बड़ा मज़ा आता है कि यार चल साथ में व्लॉगिंग करेंगे, साथ में वीडियो बनाएंगे, साथ में ये करेंगे, अलग ही चौड़ आती है। और ये मुखाने की रेड लाइट भाई, यहाँ जब जब पुलिस वाले होते हैं तब तब यहाँ जाम लगता है, अदरवाइज नहीं लगता, देखा है मैंने ऐसा। चलो चलो फटाफट अपनी गली की ओर, मैं जा रहा हूँ अपने घर की ओर और सुमित चले गया है गोप्रो लेके अपने घर की ओर। आज उसको दुख भी होगा खुशी भी होगी कि 40,000 रुपये चले गए, और खुशी इस बात की होगी कि गोप्रो आ गया, मस्त मोटो व्लॉगिंग करी जाएगी। ये बॉय खुशी का लेवल एक अप है। तो फटाफट ज़्यादा ओवर एक्साइटेड ना होके ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट में ना आके अपना नुकसान ना करवा के चुपचाप घर जाके खाना बनाने में फ़ायदा है क्योंकि कल फिर से स्कूल जाना है। बाकी देखता हूँ कुछ रास्ते में अच्छा सा देखने को मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आगे ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि व्लॉग को आगे कल भी बनाना है। भाई के साथ थोड़ा रेला बनाएंगे गाड़ी का, कल आएंगे तगड़ी तगड़ी वाली फुटेज, मज़ा आ जाएगा भाई बहुत। ओ नो 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 नो, ये इंडिकेटर देने के बाद भी मैंने नहीं देखा। ओ माय गॉड, मुझे जो है ना आवाज़ आ गई थी पीछे से किसी स्कूटी गाड़ी की, अंटी जी